इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी शिफ्ट EXI जो कि एक पेट्रोल वेरिएंट है। इसके ऊपर दो मॉडल और आते हैं, ZXI और ZXI प्लस, और इसके नीचे LXI मॉडल आता है। ये आगे की लाइट्स, प्रोजेक्टर और LED लाइट ZXI प्लस वेरिएंट में आते हैं, और फोक लाइट इसके ऊपर वाले मॉडल ZXI में। और ये आगे का फ्रंट लुक, कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन है जो कि ZXI प्लस वेरिएंट में है। और ये ड्राइवर साइड का लुक, ड्राइवर साइड की सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। और ये न्यू स्टीयरिंग विद बाउंडेड कंट्रोल। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ दो एयरबैग भी आते हैं और ABS EBD ब्रेक। और ये न्यू मीटर, टैकोमीटर, शिफ्ट इंडिकेटर का ऑप्शन भी आता है। माउंटेड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, लाइट्स ऑन, इन हैजार्ड लाइट ऑन, ड्राइवर साइड डाउन ऑटोमेटिक मिरर, पेट्रोल वेरिएंट में मारुति स्विफ्ट अप्रोक्सीमेटली 20 का एवरेज देती है डिपेंडिंग ऑन ड्राइविंग। और ये साइड का लुक, एसी टाइप LED लाइट्स, और ये बैक का लुक, फोर्टीन इंच के रिम आते हैं, और इसमें अलॉय व्हील का भी ऑप्शन है जो कि टॉप वेरिएंट में आता है, वो 15 इंच के अलॉय आते हैं। रिम के साथ इसमें व्हील कैप भी आते हैं। ये खूबसूरत LED लाइट्स, बूट ओपन करते हैं चलो। पुरानी वाली सीट से ये वाली सीट में बूट स्पेस ज्यादा है। और ये जैक रखने के लिए स्पेस, जैक टूल वगैरह उसके लिए स्पेस है।
ये शिफ्ट की बैजिंग और ये सुजुकी का लोगो। एलईडी ग्रिल, पावर विंडो विद पावर मिरर कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक बटन, मिरर लॉक बटन, हाइट एडजस्ट करने का भी इसमें आता है। और ये टायर प्रेशर, गेट एक्सप्रेस, ये इंजन नंबर, ट्रिज नंबर, ये रीडिंग लाइट्स, माइक, ये 2D म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, मैनुअल एसी, आउट पोर्ट, यूएसबी पोर्ट एंड 12 वोल्ट सॉकेट। यहाँ थोड़ी स्पेस दी हुई है कप होल्डर दो। ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ब्रेक, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एंड ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है। टिल्ट स्टीयरिंग का भी ऑप्शन है। ये ट्रिप मीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज मीटर और एवरेज का भी ऑप्शन है। ये मीटर की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। आइए इंजन की साउंड चेक कर लेते हैं। पेट्रोल इंजन नॉइज इज मच बेटर देन डीजल नॉइज। ये पियानो फिनिश डिजाइन, ये बैलकनी के लिए गियर, और ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और सिलेंडर। और ये है ABS मीट, ये पीछे से देख लेते हैं गाड़ी को। बैक पैसेंजर की सीट है, ये पावर विंडो, सीटें फैब्रिक में आती है और हैंड रेस्ट पीछे नहीं आता, सिर्फ फ्रंट सीटों में आता है।